अभी तमाम चीज़ें जो है देश के सामने आई हैं, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव रहा हो या उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव रहे हों। कई सारे सवाल कमेंट्स में आए हमारे पास कि आप भाजपा के नेताओं से क्यों नहीं पूछते, लेकिन अब लगातार जब भी हमने अगर कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है तो हमेशा हमें सहयोग दिया है जनाब इरफान साहब ने। एक बार फिर हमारे सामने सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे जो है वो व्यूवर्स के थे कि किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता से आप पूछिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। तो आज सवाल जितने भी हैं वो मेरी तरफ से नहीं है, तमाम देशवासियों की तरफ से हैं, ये हमारे जो है व्यूवर्स की तरफ से हैं सर। और सर, उनमें से एक अहम सवाल मैं ये ले रहा हूँ, तमाम जो कार्ड खेल सकती थी भाजपा और अक्सर खेलती है वो सारे कार्ड खेले गए, लेकिन फिर भी कर्नाटक हाथ से चला गया, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्ड नहीं खेला। भारतीय जनता पार्टी तो सदा जो है वो जनता का ही कार्ड खेलती है, और इस देश के जो 140 करोड़ नागरिक हैं, यहाँ का जो आवाम है, वो कैसे मतलब जो यहाँ पर ठीक तरीके से रहें, कैसे मतलब जो वो खुश रहें, कैसे सुखी रहें और कैसे उनका विकास हो, वो हमारा हर जगह जो कार्ड होता है वो विकास का कार्ड होता है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती हम पर अगर कोई हमलावर हो या हमारे मतलब पार्टी के ऊपर, या अभी जैसे बजरंग दल के बारे में उन्होंने बैन करने के लिए जो है ना एक अपने मैनिफेस्टो में लिखा, तो क्या हम उसका जवाब नहीं दे सकते क्या? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने, और ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी आदमियों को मुद्दा भी उठाने का जो है वो उसमें हक है और जवाब देने का भी हक है, तो हमने उसका जो है जवाब देने की कोशिश की थी, तो वो हमने उसका जवाब दिया। सर, ऐसा तो नहीं कि कहीं जो कई सारे जो है इस चुनाव से पहले मामले चल रहे थे, पिछले 3-4 महीने से पहलवान बैठे हुए हैं, प्रताड़ित हैं, महिला पहलवान जो है लगातार उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि भाजपा का अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो खुलकर सामने आया हो, या उनसे बातचीत करने गया हो, समझाने गया हो, या कोई अभी तक मोदी जी का ट्वीट भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ता सर? नहीं, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पूरी दुनिया में हमारा ही एक ऐसा देश है, और यहाँ के एक लोकतंत्र की ऐसी एक जो है खूबसूरती है कि हर आदमी के ख़िलाफ़ जो है वो धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, अपने प्रधानमंत्री के बारे में बुरा भला कह सकता है, उसके अगर जो है काम ठीक नहीं कर रहा उसकी आलोचना कर सकता है, तो ये सबको यहाँ पर समान अधिकार है, ऐसा किसी भी दुनिया के तख्ते पर आपको नहीं मिलेगा। अभी हमारे पड़ोसी देश में आपने देखा होगा, वहाँ के लोकतंत्र को भी आपने देखा होगा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का कालर उखाड़ के एक पुलिस वाले और वहाँ के फोर्स के आदमी ले जाके ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे देश की ये खूबसूरती है और ये हमारे यहाँ की ऐसी डेमोक्रेसी है कि यहाँ पर हर आदमी को अपना एक अधिकार है, अगर उनके साथ उन्होंने जैसा उनको लगता है कि हमारे साथ जाती हुई, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए वो पहलवान, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इनके खिलाफ़ जो है जाँच करो, FIR करो, वो भी कर दी, तो इसके अलावा क्या कर सकता है? FIR के बाद गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी ना? नहीं, पुलिस जांच कर रही है, को एकदम FIR होकर कोई गिरफ्तारी होती है क्या? नहीं, कुछ मामलों में तो होनी चाहिए थी। लाखों करोड़ों जो है FIR होती है, तो वो पुलिस का या उनके लॉ डिपार्टमेंट का मैटर होता है कि उसकी सही तरीके से निष्पक्ष जाँच करें, अगर उसमें वो आदमी कल्परेट पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करें, तो इसमें सरकार का क्या लेना देना? आपको लगता है सरकार की तरफ से तो हर चीज़ जो है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अगर वो उनको लगा ऐसा कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तक गए पहलवान, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वापस तो उन्होंने उसके आदेश की पालना में उनके खिलाफ FIR करी। ठीक है, अभी वापस चुनावी मुद्दों पर आते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हमेशा जो है वो भाजपा ने जो है विकास के मुद्दों का ही कार्ड खेला है। विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे दिग्गज प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें लगता था, और मुस्लिम जो है वो लोग लगे हुए भी हैं, कार्यकर्ता रहे भी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी विधानसभा में टिकट नहीं वितरण हुए, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में वितरण हुए और रिजल्ट भी लगभग ठीक ठाक आया है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा की एक बड़ी तैयारी है? नहीं देखो, लोकतंत्र में हर आदमी को जो टिकट मांगने का भी अधिकार है, संगठन अगर बन रहा है तो संगठन में पद मांगने का अधिकार है, और अगर जो है ये चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन मैं अपनी पार्टी को बहुत ही उसको धन्यवाद भी देता हूँ, उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने लगभग जो है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में लगभग 395 जो है मुस्लिम उन्होंने प्रत्याशी उतारे, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशियों को जो है उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, और मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार उन्होंने इतने बड़े प्रत्याशियों को और इतने बड़े उनको उतारने के 17 हम जो है हमारी जो महानगर पालिका है, नगर निगम है,
वहाँ पर हमने 17 की 17 इसलिए चुनाव जीते कि हमें मतलब जो ज़बरदस्त तरीके से मुस्लिम वर्ग का समर्थन मिला, अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन मिला। और उत्तर प्रदेश में 5 हमारे जो है चेयरमैन जीत का है और लगभग 56 जो है वो हमारे सभासद पार्षद जीत का है। तो ये बहुत ही एक मतलब जो है, जो लोग जो एक कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो टिकट भी नहीं देती है और खाली वो एक ही पक्ष की बात करती है, लेकिन अभी उनके सबकी सिट्टी पिट्टी घूमे, कोई उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सबकी जो है धरातल से जो ज़मीन खिसक गई, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, और कांग्रेस का तो मेरे लग ही नहीं रहा कि कहीं कोई जीता है। वो ज़बरदस्ती उसको मतलब बोल रहे हैं कि ये हमारा है, तो अलग बात है, लेकिन उनका कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं जीता। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि हम केरला भी अगर जीते हैं, कर्नाटक भी सॉरी अगर जीते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा भाई हनुमान जी का नाम लो, बटन दबाओ, लेकिन दब क्या बटन कहीं और चला गया सर दबके। मैंने जैसे पहले सेगमेंट में आपके बोला कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जो है ना 100% जीता जाता है ना हारा जाता है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी जब जनसंघ हुआ करती थी तो देश की खातिर, देश को बचाने की खातिर जो है 1977 में अपनी पार्टी को का ही विलय कर दिया था। उसके बाद में फिर जो है फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी से का उसका निर्माण हुआ, धीरे धीरे हम आगे चले। और हमारी पार्टी तो कछुए की चाल चलने वाली है, क्योंकि हमारी अपनी एक विचारधारा है और हम उस विचारधारा को कभी छोड़ते नहीं हैं। उन लगातार लोगों को जाकर जो है घर घर संपर्क करते हैं। उसके बाद में 1984 में इंदिरा लहर में हमारे मात्र 2 लोकसभा के सांसद जीते, और हम लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। जैसे हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री का जो वो था कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो वो वाले मतलब जो नारे को हम आगे बढ़ाते हुए, वो वाले कविता के इस छंदों को आगे बढ़ाते हुए हम 1989 में आए। हम उस टाइम पर 89 सीट जीते। अच्छा, और लगातार ये कारवा बढ़ता 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 जो है आज हम 303 तक आए हैं। तो उसके पीछे कुछ तो कारण ही होगा। उसके पीछे कारण ये होता है कि ये लोकतांत्रिक देश में हर घर हर दर जाने का जो है वो हर आदमी को अधिकार है। अगर हम कर्नाटक हार गए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मतलब ट्वीट करके जो है ना उनको वहाँ के मुख्यमंत्री को भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी बधाई दी है। तो ये एक लोकतंत्र की हमारे यहाँ खूबसूरती है। तो इसलिए जो है वहाँ की हार जो है हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते जैसे मतलब जो जीत को कांग्रेस ले रही है। अगर हमारी कहीं गलती होगी तो हम वहाँ जाएंगे, कर्नाटक के कोने कोने में पोलिंग बूथ पर जाएंगे, उसमें हम सुधार करेंगे सर। लेकिन ये लगातार नहीं हो रहा, हिमाचल के बाद अब कर्नाटक के बाद आपको देख रहे होंगे कि जो मैनिफेस्टो लेकर चले थे कांग्रेस ही, और उसके अंदर उन्होंने पहली मीटिंग के अंदर ही तमाम चीज़ों को लागू करने का जो आह्वान किया है, चाहे वो 1,000 रुपये देना हो या फिर महिलाओं के लिए बस फ्री हो। और इसमें तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सारे हमारे पैटर्न पे चलिए, हमने नैरेटिव तो चेंज करा देश की राजनीति का। तो सर ये सारी चीज़ें आगे आने वाले जो 4-5 राज्य रह रहे हैं उन पर एक बड़ा इफेक्ट होगा, अगर उसमें से भी 2-3 राज्य छिन गए तो लोकसभा में आना मुश्किल है सर भाजपा का, क्या कहना है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र जहाँ पर होगा वहाँ पर हार का, जीत का, लड़ने का, अपने मुद्दे उठाने का। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़े आपके व्यूवर्स हैं और आप जो है एकदम आम आदमी के जो है मुद्दे ही उठाते हैं और उन पर ही डिबेट करते हैं, और मुझे भी ये सौभाग्य रहता है कि कोई भी मुद्दा अगर आप उठाएंगे या कोई भी सवाल आपसे पूछेंगे तो मैं उसको जो है आपके जवाब देने के लिए, क्योंकि आपका ये अधिकार सवाल पूछने का और मेरा जवाब देने का अधिकार है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी और जो है 4 राज्यों के अभी आने वाले चुनाव हैं, और जैसा आपने बात बोला कि जो फ्री बीज है, जो एक फ्री का जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, अभी आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी हमारे यहाँ कई घंटे बिजली भागती है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आँखों में ऐसी धूल झोंकने का काम करा। अभी आप जाइए 5 किलोमीटर किसी भी रोड पर जाइए, आपको 5 DTC की बस जो है वो रोड के किनारे खड़ी भी मिलेंगी। ये 2013 के बाद में एक भी जो है DTC की बस जो है इन्होंने नहीं खरीदी। तो किस तरीके के मतलब फ्री बांट बांट के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? अरे आम आदमी को अगर DTC की बस में जाने के लिए, सफ़र करने के लिए बस नहीं होगी, ये तो अगर भारत सरकार ना हो तो ये मेट्रो भी ना चले। ये तो मेट्रो का जितना काम है ये भारत सरकार की देन है, और ये तो यूनियन टेरिटरी होने के नाते कि वो यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो केंद्र सरकार के पैसे से होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने झूठ में मास्टर डिग्री ली हुई है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और हर जगह वो मतलब जो फर्जी काम करते हैं। अभी वो उन्होंने जो है एफिडेविट दिया था
आपने देखा होगा, सबने चैनलों ने भी वो चलाया कि मैं तो ये नहीं लूँगा, मैं तो वो नहीं लूँगा, मैं तो गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा। अभी वो 50-50 करोड़ रुपए अपने जो है मकान में लगा रहा है, सरकारी मकान में लगा कर वहाँ पर रहना है, रह कर मौज मस्ती कर रहा है। तो आपको उससे भी जाकर जो है ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या, मैंने मतलब जो एफिडेविट, वो भी स्टोरी चलाई थी, लेकिन वो उनका पर्सनल नहीं है। आज वो सीएम है, कल नहीं रहेंगे, पहले कांग्रेस थी, उसके बाद फिर आज अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसके बाद हो सकता है कि आपकी सरकार आ जाए, यहाँ पर भाजपा की सरकार आ जाए, तो वो उनका पर्सनल घर थोड़ी, पर्सनल घर तो उनका जो वो गाजियाबाद में था, अगर वो कराते तो समझ में आता, कोई लैंड या बंगला बनाते तो समझ में आता, और वो भी 50 करोड़ नहीं सर, लगभग उसमें कुछ लाख जो है वो खर्चा आया था समथिंग, और उसके बाद वो सारी चीज़ें चली गई। खैर, लेकिन वो कोई उनका पर्सनल आवास नहीं है, और मैं ही ना ही उनके तरफदारी कर रहा हूँ। पर अहम सवाल सर यही है कि जो लोकसभा है इस वक्त, लोकसभा चुनाव, वो सबसे ज़्यादा अहम है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आगे, क्योंकि आपके कंधों पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि आपको हैदराबाद बुलाया गया लगभग साल भर पहले, मोदी जी द्वारा निमंत्रण दिया गया, आप लगातार उनके टच में रहते हैं, आप आना जाना लगा रहता है, तो इसीलिए हम अक्सर करके, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय की जो निगाहें आपको टिकटिक लगाए बैठे रहती हैं, तो क्या आप चेंज करेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आपकी पार्टी निर्णय लेगी जिसकी वजह से ये सारा समीकरण चेंज आ सके। आपने फ्री की बात कही कि फ्री की रेबड़ी की बात है या फ्री अरविंद केजरीवाल ने करा, लेकिन ये फार्मूला तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट पहुंचा रहा है ना सर। भाई अगर केंद्र सरकार कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट ला रही है, तो केंद्र सरकार आप देखिए ना, हाईवे पर डबल डबल जो है वो रेंट लेना शुरू कर दिया है। ये भी देखिए ना, आप जिस भी नेशनल हाईवे पर चले जाइए, आप जहाँ पर जो 60 रुपये लगते थे, वहाँ 200-250 रुपये गाड़ियों को देना पड़ रहा है पास करने, और नज़दीक बहुत ज़्यादा हाईवे के टोल टैक्स वगैरह, तो ये तो सब वसूले जनता से जा रहे हैं ना। नहीं, सबसे पहले तो जो आपने सवाल पहला था आपका, कि हमारे जो है दिल्ली में 93 से 98 तक हमारे मुख्यमंत्री जो है मदन लाल खुराना जी रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे जो है वो साहब सिंह वर्मा जी रहे, वो इस दुनिया में नहीं है। हमारी सुषमा स्वराज जी जो मेरी नेता थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ वो रहते थे, वो कूलर लगा के रहते थे, जो एक जर्नल उसमें लगा हुआ सरकारी उसमें रहता है, फैसिलिटी होती है, वो एसी लगा के रहते थे, वो उसको महल बना के नहीं रहते थे। जो आप कह रहे हो तो चंद लाख का, वो तो RTI से आया जवाब, वो तो सरकार ने बाकायदा उसका RTI से जवाब दिया, तब उसमें वो 49 करोड़ रुपये उसमें दिखाएं कि इतने की LED आई, इतने की आई। तो जो अगर सरकारी कोठी में उससे के बाद में शीला दीक्षित जी भी 15 साल जो है यहाँ की रही, वो भी बहुत सादगी के साथ रहती थी, हालांकि ठीक है हमारी विरोधी पार्टी की थी वो, लेकिन मैं उनकी उस सादगी का जो है वो भरपूर समर्थन करता हूँ। वो भी अब हमारे बीच में नहीं आपके अंदर, बिल्कुल ठीक, वो भी बहुत मतलब जो सादगी के साथ रहती थी, सादगी के साथ रहती थी। तो ये आदमी जो है जो एकदम लिख कर दे रहा है, इलेक्शन कमीशन में दे रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है कि मैं तो ये चीज़ नहीं लूँगा, और वो फिर उसकी जो है डबल नहीं, उसके 50-50 गुना वो पैसे खर्च करके रह रहा है, तो वो वाली चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता था। कर लेते हैं। और जो आपका मतलब जो फ्री बीज का वाला मैटर, हाँ। तो इसका लॉन्ग टर्म में जो है, हाँ। वो देश की जनता को अल्टीमेटली खमियाजा भुगतना पड़ता, हाँ। है। आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूँ, और एक तीसरा आदमी हमारे टैक्स दिए हुए पैसे से कोई 5 पैसे नहीं खर्च कर रहा, और सारा बर्डन आपके पास आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपस में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। कल को जो आदमी वहाँ पर टैक्स दे रहे हैं कर्नाटक में, तो वो उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इन सब चीज़ों का जवाब जो है वो लोकसभा में जनता देने वाली है, और हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो इस देश का हमारे ही नहीं, अभी वो विदेश दौरे पर गए हैं, तो छोटे छोटे जो देश हैं वो भी अपने यहाँ का जो बड़े से बड़ा सम्मान है वो भी उनको मतलब जो वहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। अभी फिजी का उन्हें बहुत बड़ा सम्मान आज मिला है, और उसके बगल में एक छोटा सा जजीरा है, तो न्यू पापुआ गिनी, उसका भी उनको मतलब जो सबसे बड़ा सम्मान है वो भी आज उनको मिला है। तो ऐसी तो कोई उनको सम्मान नहीं दे रहा, अगर वो कुछ काम कर रहे होंगे, पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे होंगे। और हमारा तो जो है, जो अभी आजकल G20 का चल रहा है, तो हमने तो उसमें नारा ही दिया है वसुधैव कुटुंबकम का। हम तो पूरी दुनिया को जो है अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मान के चलते हैं। तो लोगों ने देखा है, अब आपने देखा होगा, खुद उठ उठ कर जो है अमेरिका जैसा राष्ट्रपति जो है वो अपने आप को मतलब जो है बहुत ही बड़ा भाग्यवान समझता है, मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए, तो कुछ तो उन्होंने काम करा ही होगा ना सर, तभी मतलब जो वो इतना आगे लोगों को मानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि ये पर्याप्त हैं आपके लोकसभा चुनाव के लिए? अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ मिलाना, ये सारी चीज़ें, सम्मान दिलाना, ये जो जगह जगह
आपके भाजपा के ही काल में ये भी इतिहास है, 50,000 से ज़्यादा धरने हुए देश के अंदर। आप ये भी तो देखिए, इतिहास में कभी इतने धरने नहीं दिए गए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे CA का मामला हो। पहले मतलब जो सेगमेंट में मैंने ये बोला कि ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, या कोई भी आदमी जो है कुछ भी कहने का उसका अधिकार है, ये सब जगह नहीं है ये बात। तो ये उस खूबसूरती का डेमोन्स्ट्रेशन अगर पूरे देश में हो रहा है, अच्छा, तो ये तो हमारे लोकतंत्र को मजबूत सही हो रहा है, अच्छी बात हो रही है। अगर कोई आलोचना हमारी कर रहा है तो अच्छी बात, लोकतंत्र का तो पहला वही सिद्धांत है कि आप आलोचना करिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें जब तक आप आलोचना हमारी नहीं करेंगे जी, तो उसमें सुधार कैसे होगा। बात है कि कम से कम आपने एक्सेप्ट करा। दूसरी बात है कि जो चीज़ उन्होंने एक साल कुछ महीने बाद किसानों की एक्सेप्ट की, अगर वो पहले हो जाती तो कई सौ लोग सर जान नहीं गंवाते बेचारे निर्दोष। नहीं, नहीं लगते बात? वो लोगों ने किसानों को जो कुछ सो कॉल्ड लीडर थे किसानों के, वो उन्होंने जो है ना उस चीज़ के आड़े आ गए। लेकिन ये तो हमारी प्रधानमंत्री की उदारता देखिए और हमारे संविधान की उदारता देखिए, लोकसभा में पास हुए बिल की उदारता देखिए, कि उन्होंने अगर उनको ये लगा कि अगर ये इनको गलत तरीके से उनको टैगल कर रहे हैं, अलग रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से, तो उन्होंने उसको वापस लेके भी बड़ा दिल दिखाया। ये कम खूबसूरती है कि हमारे लोकतंत्र की, यहाँ कोई हिटलर शाही तो है नहीं। और एक अहम सवाल, मैं तो आखिर में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी सरकार के 9 साल जो है वो 30 मई को पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो ये 30 मई से लेकर 30 जून तक एक जनसंपर्क महाअभियान जो है ये हमारे पूरे देश में 1 महीने तक चलने वाला है, और जो जो भी हमने इस 9 साल में काम करे हैं वो हम जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। हम कोई कागजों पर उनको नहीं लिखते हैं, हम तो अगर किसी के लिए काम करते हैं, जैसे आज आपने अभी एक रोड का जिक्र करा, अभी आप जाइए कहीं भी, अभी आपको जो है इतने अच्छे रोड जो है, और जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक आपका जो है नहीं बिजली सड़क पानी का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, अभी आज आप देखिए आप जहाँ से आते हैं अभी आप वहाँ पर लोगों का गाँव से आने का पलायन किस लिए रुका, कि उत्तर प्रदेश में अगर आप जाइए तो 20 घंटे जो है नहीं वो गाँव वालों को बिजली के देने का काम अगर कोई कर रहा तो योगी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परिवर्तन है, हम इसका एक्सेप्ट कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन है। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर सूरज डूबने के बाद में आदमी घर से नहीं निकलता था, अभी आप रात 12 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर जाइए, आपको कोई टच करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये सब काम करे हुए तो सब नज़र आ रहे हैं, और पानी की हम हर जगह जो है चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो है साउथ अफ्रीका का जो एक शहर है उसकी राजधानी है, वहाँ पर जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, पानी उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, लोगों को से इसकी अपील भी करना चाहता हूँ कि आप अपने पानी का जो यूटिलाइजेशन है वो कम से कम तादाद में करिए। अगर आपको 5 लीटर पानी की ज़रूरत है तो 4 लीटर उसका उपयोग करिए, इस्तेमाल करिए, और उसको रिजर्व करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में अभी पानी की बहुत बड़ी समस्या जो है पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहे। अभी आप जिस एरिया में आके जो है कभी कभी मेरे इंटरव्यू लेते हैं तो यहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं, आपको बाकी जगह के मुकाबले पे यहाँ पर कम आपको गर्मी लगेगी, कम आपको पसीना आएगा, और ज़रा सी भी अगर हवा चलेगी तो आपको पूरी हवा लगेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पानी भी बचाइए, और अभी जो बरसात का मौसम आने वाला है तो जगह जगह जो है पौधों का रोपण करिए, प्लांटेशन लगाइए, तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी काम करना है। और मैं अगर इस देश में जन्मा हूँ, यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, तो मेरा जो है खाली जो एक ही सूत्र हर आदमी का यहाँ पर रहता है कि मैं अपने लिए क्या करूँ। लेकिन हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँ, मेरा अपने देश के लिए क्या योगदान है। अगर मैं पानी बचा सकता हूँ तो पानी में योगदान है, अगर मैं कहीं जाके प्लांटेशन कर सकता हूँ तो पेड़ पौधे लगा सकता हूँ, तो पर्यावरण के बचाव के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ये सब जगह जो है ये करनी चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से भी उसको बताना चाहिए, और हमारा ये अभियान 1 महीने तक जो 9 साल का चलेगा जनसंपर्क महाअभियान, उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरा 1 हफ्ते का अभी प्रवास जो है वो गुजरात में होने वाला है। और गुजरात में जो है हमारा जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम कर रही है, और अभी जहाँ जहाँ हमारे चुनाव हैं वहाँ भी हमारा गठन हो गया है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है प्रभारी की घोषणा करी है, अभी हमारा मध्य प्रदेश में भी ये कारवां जाएगा, अभी हमारा राजस्थान में भी जाएगा, तेलंगाना में भी जाएगा। तो हम उन सबको जो है
पसमानदा का मतलब ये नहीं कि वो कोई नीची जाति के हैं, पसमानदा का मतलब है जो गरीब है, वो गरीब मतलब हर आदमी हो सकता है, वो शेख सैयद मुगल पठान राजपूत में भी हो सकता है, और मालदार जो है वो हमारे जो दबे कुचले आदमी उनमें मालदार भी हो सकते हैं। तो हमारा जो आह्वान है वो गरीबी दूर करने का है और उसको शिक्षा की तरफ ले जाने का, एजुकेशन की तरफ ले जाने का, तालीम की तरफ ले जाने का। अभी आने वाले दिन में अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको जब तक जो है आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, और ख़ास तरीके से बच्चियों को आप नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई भी ख़ानदान से अगर आपने एक बच्चे को पढ़ा दिया तो समझ लो पूरे ख़ानदान और पूरे महल्ले के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है वो टीचर बन सकती है, मास्टर बन सकती है। और हमारा जो ये उत्थान समिति है पसमानदा की, तो हम चाहेंगे ये देश के कोने कोने में ले जाकर ये चार पांच चीज़ का जो हमारा मिशन है उसके ऊपर जो है जन जागरण का अभियान चलाना, लोगों को जागरूक करना, और 9 साल की हमारी सरकार की उपलब्धियों को उनको एकदम पोलिंग बूथ तक घर घर दर दर ले जाकर पहुँचाने का काम हम करने वाले हैं। तो आपने बात की, इतना समय जो है आप लगाते हैं और जनता तक अपने मुद्दे पहुंचाते हैं, आप जनता के पत्रकार हैं, आपने मुझे भी उस पर टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो देखिए, ये इरफान साहब थे जिनसे हमेशा जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि क्यों आखिर पक्ष विपक्ष के अंदर जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, तो यहाँ से तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं अक्सर करके। इसीलिए हम यहाँ पर जो है लोनी गाज़ियाबाद से चलकर अक्सर आते हैं कि इसको ख़ास कवरेज बनाया जाए, आपके लिए ख़ास सवालों के आपके लिए जवाब ढूँढे जाएँ। उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, लोकसभा के बारे में हमने जवाब पूछा, कर्नाटक क्यों गया है से वो जवाब पूछा, लेकिन सर लास्ट में और आखिर में जो उन्होंने एक मैसेज दिया है वो मैं समझता हूँ कि मैं पर्सनली भी उसको अनएक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसको शेयर करें, एक एक घर तक पहुँचाएँ, शायद आपके एक वीडियो, एक शेयर, एक पौधा लगाने में और पर्यावरण को बचाने में काम आ सके। और बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया टुडे के साथ।